Motion of fluid in an accelerated container. Say if you have liquid filled in a container and the container is accelerating. We must say container है जिसमें liquid filled है and it's accelerating to the right. इसके अंदर जो liquid है वो horizontally रहेगा या inclined हो जाएगा और किस direction में inclined होगा? मतलब अगर मेरे पास ऐसे जैसे container है, liquid इस shape में रहेगा, liquid ऐसे आ जाएगा या liquid ऐसे हो जाएगा? अगर ये accelerate कर रहा Which shape will the liquid surface take and by? Which shape will the liquid surface take and by it takes that particular shape? Sir, pseudo. हाँ जी बोलो क्या reason हो सकता है? Sir, third. लिक्विड सरफेस कौन सी शेप लेगा और उसका रीजन क्या होगा आप पढ़ चुके हो फिजिक्स इतने कि आप मेरे को आंसर बता सको अब इन तीनों में से शेप नहीं बता सकते अगर लिक्विड एक्सेलरेट कर रहा है फॉरवर्ड तो तीनों में से कौन सी शेप होगी फर्स्ट सेकेंड या थर्ड सेकेंड क्यों वाई सेकेंड स्यूडो फोर्स पीछे लगेगा जब आगे एक्सेलरेट करेगा स्यूडो फोर्स आगे एक्सेलरेट करेगा तो स्यूडो फोर्स पीछे लगेगी तो ये लिक्विड जो है इस तरह से शेप ले लेगा मेरे को ये बताना है जब ये लिक्विड एक्सेलरेट करेगा ये एंगल कितना बनेगा यू हैव टू कैलकुलेट दिस एंगल एंगल व्हिच लिक्विड सरफेस मेक्स विद इंक्लाइंड प्लेन तो जैसे हमने कल किया था एक सिलेंडर इमेजिन करते हैं इसके अंदर प्रेशर ज्यादा किधर होगा ए पे या बी पे बड़ा करो इसको अगर नहीं नजर आ रहा तो प्रेशर ए पे ज्यादा या बी पे ज्यादा सेम बी पे प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम का फॉर्मूला क्या किया था H rho g height of liquid column कहाँ पे ज़्यादा है इधर ज़्यादा है या इधर ज़्यादा है B तो इधर pressure P2 और इधर pressure P1
अगर मैं इसको लेता हूं y, ये y प्लस डी वाई, तो p1 की वैल्यू कितनी, p1 की वैल्यू कितनी, y प्लस डी वाई रो जी, p1 की वैल्यू y रो जी, p1 यस y रो जी, p2 की वैल्यू y प्लस डी वाई रो जी, यस। अगर मैं ग्राउंड फ्रेम से देख रहा हूं, आप यहां पे खड़े हो कहीं पे, तो सिलेंडर के अंदर जो लिक्विड है ये एक्सेलरेट कर रहा है टुवर्ड्स राइट। मास ऑफ लिक्विड इन सिलेंडर कितना है, अगर लेंथ ऑफ सिलेंडर मैं लेता हूं, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लेते हैं, लेट इट बी ए, इसको ए बी की जगह पी क्यू कर लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। क्रॉस सेक्शनल एरिया सिलेंडर का ए है और इसकी जो लेंथ है दैट इज डी एक्स, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो गया, ए डी एक्स, मास ऑफ सिलेंडर हो गया ए डी एक्स इंटू रो। अगर ये मास राइट साइड पे एक्सेलरेट कर रहा है तो इस पर फोर्स कितनी लग रही है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था, मास इंटू एक्सेलरेशन। इधर से प्रेशर लग रहा है पी टू, इधर से पी वन, पी टू पी वन से ज्यादा है, तो नेट प्रेशर किधर लग रहा है, राइट साइड लेफ्ट साइड, राइट। नेट प्रेशर कितना लग रहा है, पी टू माइनस पी वन। अगर नेट प्रेशर पी टू माइनस पी वन है तो फोर्स कितनी है, प्रेशर और फोर्स में रिलेशन क्या था, सिलेंडर इंटू एक्सेलरेशन, सो हम वहां से थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे कि हमने दो पॉइंट्स लिए हैं राइट साइड और लेफ्ट साइड। अब कैसे एक बार समझ लो, फिर उसको आराम से ऊपर थोड़ी सी थ्योरी लिखेंगे फिर एक्सप्लेन करेंगे। वी कैन से दैट अगर मैं मास ऑफ लिक्विड लिखता हूं सिलेंडर, मास ऑफ लिक्विड इन सिलेंडर नेट फोर्स ऑन सिलेंडर इज न्यूटन का सेकेंड लॉ, P2 की वैल्यू क्या बता रहे थे, P2 is y plus dx, P1 is y rho g into a, a और rho कैंसल हो जाएगा बिकॉज a और rho पूरी इक्वेशन में है, a और rho कैंसल हो गया, यू आर लेफ्ट विद dy into g डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, आप इस डायग्राम से देख लो, हमने ये लेंथ लिया डी एक्स, इन दोनों में डिफरेंस लिया डी वाई, मतलब ये डी एक्स है ये डिस्टेंस डी एक्स है ये डी वाई है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, tan theta is the slope. Maths में वैसे भी आपने पढ़ा कि y by x slope होती है,
सो जितनी ज्यादा एक्सेलरेशन होगी उतनी ज्यादा इंक्लिनेशन बनेगी. सो यू कैन राइट, पहले इसके ऊपर थ्योरी लिख लो, फिर डायग्राम बनाओ, फिर करते हैं. और साथ में लिख लो, दिस इज जस्ट फॉर कॉम्पिटिशन, स्कूल का आर्टिकल नहीं है, ये स्कूल में कभी भी नहीं आएगा. You can write the motion of क्या लिखा था ऊपर, हेडिंग डाली थी, मोशन ऑफ फ्लूइड इन ए सॉरी एक्सेलरेटेड कंटेनर, एक्सेलरेटेड कंटेनर ब्रैकेट में भी शक लिख लो, फॉर कॉम्पिटिशन ओनली. कंसिडर consider liquid placed in a, consider liquid placed in a, consider liquid placed in a container which is accelerating to the right with acceleration A. Pseudo force acts on the liquid towards left. Pseudo force acts on the liquid towards left. Thus, pseudo force acts on the liquid towards left. Thus, liquid surface will be inclined. Thus, liquid surface will be inclined. The inclination depends on the acceleration of the liquid. Inclination depends on acceleration of the liquid. Inclination depends on acceleration of the liquid. Imagine a cylinder of cross sectional area A in length dx inside the liquid such that, inside the liquid such that right end of the cylinder is at a depth y from the surface and left end is at a depth y plus dy. Thus, pressure on the left end will be more than pressure at the right end. Pressure on the left end will be more than pressure at the right end. If P2 minus P1 denotes pressure difference,
the net force on liquid in the cylinder is P2 minus P1 into A. And in ground frame, the liquid in cylinder has acceleration A. Liquid in cylinder has acceleration A towards right. Liquid in cylinder has acceleration A towards right. फिर ये नोट कर लो. जो हमने लास्ट में लिखा tan theta is equals to a by g, इसमें a क्या और g क्या है? Acceleration of the vessel container. G acceleration due to gravity. बड़ा अच्छे वे में बताओ और. Because मैं अगर आपको numerical में थोड़ा twist डाल दूं. मैं आपको बोलूं कि ये कंटेनर जो है ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, ऐसे हॉरिजॉन्टली नहीं जा रहा, ऐसे जा रहा. फिर इंक्लिनेशन क्या होगी? अगर ये किसी एंगल पे मूव करेगा फिर इंक्लिनेशन क्या होगी? a cos theta by g. नहीं, सोचो ध्यान से. अगर ये इधर जाएगा सर, जिस एंगल पे जा रहा है वही सेम वाटर इंक्लाइन करेगा? नहीं, अगर ये इधर जाएगा सूडो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, इसके ऑपोजिट. इसके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे. ए वाई और एक्स, और एक एक्सेलरेशन है जी. वर्टिकल डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन कितनी हो गई? ए वाई माइनस जी. ए वाई माइनस जी या जी माइनस ए वाई? जी माइनस ए वाई. और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स. ये क्या था? ए, ए वाज हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन एंड जी वॉज वर्टिकल एक्सेलरेशन. तो अगर ऐसे मूव करेगा तो टैन थीटा किसका इक्वल आएगा? जी माइनस ए एक्स डिवाइडेड बाय जी माइनस ए वाई.
एक्स अपॉन जी माइनस ए भाई। और सिमिलरली अगर ये ऐसे जाता तो सूडो फोर्स इधर दो कंपोनेंट, अब क्या होता जी प्लस ए वाई tan theta is equal to ax upon g plus ay. So you can write note लिखो इसके नीचे, उसमें लिख देते हैं। If tan theta is equals to a by g, if tan theta is equals to a by g, in tan theta is equals to a by g, a denotes horizontal acceleration and g denotes vertical acceleration. Thus, in general, tan theta is equals to ax over ay, tan theta is equals to ax over ay, where ax and ay denotes net acceleration in horizontal and vertical direction. Net acceleration in horizontal and vertical direction. Ax and ay denotes net acceleration in horizontal and vertical direction. Numerical liquid. In a container filled with liquid, if the container filled with liquid is given constant horizontal acceleration of g by 2 and a vertically downward acceleration of g by 2. So horizontal acceleration of g by 2 and vertically downward acceleration of g by 2. A closed box. The closed box has horizontal base of 6 meter by 6 meter and is half filled with liquid. The height of container is 2 meter. The height of container is 2 meter. Find the angle of
फ्री सरफेस विद हॉरिजॉन्टल लेंथ ऑफ एक्सपोज्ड पोर्शन फाइंड एंगल ऑफ फ्री सरफेस विद हॉरिजॉन्टल बी पार्ट इज length of exposed portion of the top of the box c part is water pressure at the bottom at center of the box D part is maximum value of water pressure in the box E part is what is the value of vertical acceleration of the box What is the value of vertical acceleration of the box for given horizontal acceleration of g by 2 so that no part of bottom of the box is exposed no part of bottom of the box is exposed ऐसे एक बॉक्स है इसका जो बेस है दैट इज 6 मीटर क्रॉस 6 मीटर इसकी हाइट है 2 मीटर एंड इट्स हाफ फिल्ड वन मीटर तक फिल्ड हमने इसको हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन दी और वर्टिकली डाउनवर्ड एक्सेलरेशन दी जी बाय टू हमने बताना है कि फ्री सरफेस का एंगल कितना बनेगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वाटर सरफेस का यही बनेगा एक्सेलरेशन इधर और इधर तो सूडो फोर्स से किस डायरेक्शन में कपट सूडो एक्सेलरेशन यही बनेगी ए एक्स ए वाई तो वर्टिकल डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन कितनी होगी
जी माइनस ए वाई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स, हमें एक्स दिया जी बाय टू, टैन थीटा वन आ गया मतलब थीटा इज 45। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया कि स्लोप कितनी बनेगी, 45 डिग्री की स्लोप बनेगी। उसके बाद सेकेंड पार्ट है लेंथ ऑफ एक्सपोज्ड पार्ट एट द बॉटम। मेरे को डायग्राम बना के बताओ, जब थीटा 45 है तो ये लिक्विड कैसा दिखेगा? जब थीटा 45 है तो ये लिक्विड कैसा दिखेगा बॉक्स में? फोर्टी फाइव का एंगल बनाना। वॉटर सर्फेस मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। सर थोड़ा अपवर्ड इंक्लाइंड होएगा। अपवर्ड इंक्लाइंड फिर लेंथ ऑफ एक्सपोज टॉप सरफेस बताओ कितनी है? सर 6 मीटर। 6 मीटर तो नहीं हो सकती ना, 6 तो हो नहीं सकती। इट कैन नॉट टेक दिस शेप, ऐसे नहीं हो सकता है। इससे तो एंगल जो बना है सिर्फ टैन थीटा की वैल्यू निकालोगे वो तो 1/3 आ गई। टैन थीटा 1 चाहिए मेरे को। मैं अगर लिक्विड को ऐसे लेता हूं ये तो 2/6 आ गई टैन थीटा। देखो टैन थीटा की वैल्यू 45 चाहिए, मतलब थीटा 45 बनाना, ये एंगल 45 थोड़ी बन रहा है। So 45 का एंगल बना के दिखाओ मेरे को। का एंगल लिक्विड सरफेस कैसे बनाएगा? वो कुछ इस तरह की शेप होगी। So exposed part 4 होगा, मतलब जो पानी से नहीं होगा ऊपर वाला। हाँ तो ये कुछ ऐसा बनेगा। मेरे को ये लेंथ बतानी है कितनी है। मैथ्स है अब तो, फिजिक्स वाला पार्ट तो 45 पे खत्म हो गया। सेकेंड पार्ट इज टोटल मैथ्स। अगर 45 का एंगल है तो ये साइड भी 2, ये भी 2। यस तभी 45 का एंगल बनेगा। ये लेंथ कितनी? मीटर। तो लेंथ ऑफ एक्सपोज्ड पार्ट कितना? ये 2 मीटर क्यों? ये 2 मीटर क्यों?
आपको जो 9th-10th में ज्योमेट्री पढ़ाई थी ना, आपने कुछ उसका किया नहीं है ढंग से. वाटर ने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है यहाँ पे? तीसरी डायमेंशन छोड़ दो डेप्थ को, वो तो सेम ही रहनी है. मतलब जो थर्ड डायमेंशन है उसको रहने दो. एरिया कितना है इसका? तो ये 6 ही रहेगा ना. एरिया थोड़ी चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड थोड़ी बदलता है. बिकॉज एरिया इन टू थर्ड डायमेंशन तो 6 है ही है. यहां पे अगर मैं वॉल्यूम ऑफ लिक्विड लेता हूं तो दैट इज 6 × 6 × 1. तो थर्ड डायमेंशन तो यहां पे भी 6 ही है. एरिया इंटू 6, तो एरिया इक्वेट कर दो. ये एरिया 6 है तो ये भी 6 होना चाहिए. इस ट्राइंगल का एरिया कितना है? इस ट्राइंगल का एरिया कितना है? 2. तो ये भी 4 होना चाहिए ना फिर. अगर ये 2 है तो ये 4 होना चाहिए. और ये 4 कब होगा? अगर ये 2 है तो ये भी 2 हो. आ रहा है समझ के? नहीं आ रहा. एरिया सेम लेके सॉल्व होगा ये, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड नहीं बदल रहा. वॉल्यूम होता है एरिया इनटू थिकनेस. थिकनेस ऑफ लेयर सेम है 6 meters. तो सिर्फ इस एरिया को जो वाटर ने ऑक्यूपाई किया और जो इधर वाटर ने ऑक्यूपाई किया उनको इक्वेट कर दो. तो ये 4 meters आ गया एक्सपोज्ड. ये 4 meters आ गया. ये कितना है? ये भी 4 ही होगा. सेकेंड पार्ट था लेंथ ऑफ एक्सपोज्ड पार्ट एट द टॉप, सो वो हो गया 4 meters. उसके बाद बताना है प्रेशर एट द बॉटम एट द सेंटर ऑफ बॉक्स. एक बार फिर डायग्राम बनाता हूं मैं. सेंटर ऑफ बॉक्स मतलब यहां पे प्रेशर बताना है कितना? बॉटम के सेंटर पे 6 meters टोटल लेंथ है, मतलब 3 meters पे. तो यहां पे प्रेशर कितना होगा? मैं अगर आपसे पूछूं इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है तो कैसे बताओगे? यहां पे प्रेशर ये डिस्टेंस 1 meters है, ये एंगल 45 है, तो ये भी 1 meters हो गया. तो यहां पे प्रेशर कितना हो गया? एच में एच क्या था? एच रो जी में एच क्या था? हाइट लिक्विड पर. रो क्या था? डेंसिटी. और जी क्या था? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो मैं इसको ऐसे नहीं कह सकता, एच इज वर्टिकल हाइट या वर्टिकल लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम, rho is density, g is vertical acceleration. मेरे को अगर इस पॉइंट पे प्रेशर बताना है से सी पे, ये लेंथ है 1, डेंसिटी रो, एक्सेलरेशन जी, ये प्रेशर आया वर्टिकल. इधर से भी तो आ रहा है,
जब हमने एच रो जी निकाला था तब हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं थी, अब हॉरिजॉन्टल भी है तो लिक्विड इधर से भी प्रेशर लगाएगा तभी तो ये ऊपर जा रहा है। इधर से कितना प्रेशर लग रहा है, ये लेंथ कितनी है, हॉरिजॉन्टल लेंथ इनटू डेंसिटी इनटू हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, जैसे वर्टिकल हाइट डेंसिटी इनटू वर्टिकल एक्सेलरेशन। सो वन रो इनटू जी बाय टू प्लस वन इनटू रो इनटू जी बाय टू। ये आ रहा है प्रेशर, एच रो जी इधर से, एल रो ए इधर से, सो प्रेशर स्केलर है तो ऐड हो जाएगा। एच रो जी ड्यू टू वर्टिकल लिक्विड, एल रो ए ड्यू टू हॉरिजॉन्टल लिक्विड। आया समझ? आप ऐसे देखो, अगर मैं आपको कोई कंटेनर देता हूं ना, जनरल एक वैल्यूज बताता हूं, मेरे पास मान लो एक कंटेनर है, और ये हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट कर रहा है, इसकी हाइट h है, ये लेंथ l है, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेट कर रहा है ax, वर्टिकल डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन है ए वाई, नेट लिख रहा हूं मैं, मतलब जी ए वाई सब मिला के नेट ए वाई है, और इसमें लिक्विड फील्ड है। यहां पे अगर प्रेशर बताओगे दिस विल बी जीरो, ना तो इसके ऊपर कोई वर्टिकल लिक्विड है ना इसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई लिक्विड है। अगर मेरे को यहाँ प्रेशर बताना है इधर कितना हो जाएगा, ऊपर तो लिक्विड है नहीं, ऐसे कितना लिक्विड है, एल रो एक्स। अच्छा इस पॉइंट पे प्रेशर बताना है तो हॉरिजॉन्टली तो कोई लिक्विड है नहीं, वर्टिकली मेरे को इधर प्रेशर बताना है इस पॉइंट पे, ऐसे प्रेशर कितना ऊपर से और हॉरिजॉन्टली। तो अगर मैं आपसे यहां पे कहीं पे प्रेशर पूछ लूं तो कितना लिखोगे, से ये डिस्टेंस एक्स है ये वाई है तो यहां प्रेशर कितना इस पॉइंट पी पे, प्रेशर हॉरिजॉन्टल साइड से कितना प्रेशर लगेगा, एक्स रो ए एक्स, वर्टिकल वाई रो ए। मैंने यहां पे जब प्रेशर निकालना था तो इधर से वन इधर से भी वन, सो इसलिए ऐसे फॉर्मूला लिखा मैंने। सो इस डायग्राम से आपको समझ में आना चाहिए कि प्रेशर निकालना, अगर मैं आपसे पूछूं मैं कहां पे होल करूं ताकि लिक्विड बाहर ही ना आए, इस एंड पे, बिकॉज़ इधर बाहर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है अंदर भी उतना ही होगा, तो यहां से लिक्विड बाहर नहीं आएगा इधर होल कर दोगे तो, बाकी किसी भी जगह पे होल करोगे तो लिक्विड विल कम आउट। सो दैट वाज थर्ड पार्ट की प्रेशर एट द बेस एट द सेंटर। फोर्थ पार्ट में बताना है मैक्सिमम प्रेशर लिक्विड का कहां होगा, तो इस डायग्राम के हिसाब से सबसे ज्यादा प्रेशर किधर होना चाहिए, कौन से पॉइंट पे, मैं पॉइंट मार्क करूं सबसे ज्यादा राइट सी पॉइंट, सबसे ज्यादा प्रेशर सी पे, डी पे, डी पे, डी पे प्रेशर कितना होगा, और इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेंथ कितनी है वाटर कॉलम की, फोर, वर्टिकली सो थ्री रो जी।
फोर्थ पार्ट फिफ्थ पार्ट में बताना है वर्टिकल एक्सेलरेशन कितनी हो ताकि बॉटम सरफेस एक्सपोज्ड ना हो. बॉटम सरफेस एक्सपोज्ड नहीं होगा अगर टैन थीटा कितना होगा. हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन हमारे को दी है जी बाय टू. सो दिस इज मींस ए वाई इज इक्वल्स टू थ्री टाइम ए एक्स. वर्टिकल एक्सेलरेशन 3g बाय 2 कब होगी, g से ज्यादा कब होगी, जब सूडो एक्सेलरेशन किधर एक्ट करे, डाउनवर्ड्स. और कितनी, 1/2 g/2. तो अगर ये अपवर्ड एक्सेलरेट करेगा g बाय 2 से, बिकॉज दिस इज ए वाई इज इक्वल्स टू g प्लस ए वाई, सॉरी नेट वर्टिकल एक्सेलरेशन इज वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ कंटेनर प्लस जी इज 3g/2. सो वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ कंटेनर शुड बी g/2 अपवर्ड, तभी सूडो डाउनवर्ड आएगी. स्कूल की चिंता बिल्कुल छोड़ दो, स्कूल में नहीं आएगा ये क्वेश्चन कभी भी, इस तरह के ही नहीं आएंगे जहां पे लिक्विड एक्सेलरेट कर रहा है. पर कंपटीशन के लिए आने बहुत जरूरी है जहां पे लिक्विड एक्सेलरेट करे और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़े. क्लियर है, इसको ध्यान से देख लो, इसके पांचों पार्ट्स. तो इसलिए हमेशा ऐसे ही याद रखना tan थीटा इज इक्वल टू ax / ay. अच्छा मेरे को ये बताओ, आपने कभी ऐसे प्रैक्टिकली देखा है कि लिक्विड सरफेस इंक्लाइंड हो गया और जब एक्सेलरेशन होती है तो प्रैक्टिकली कहीं देखा हो कि लिक्विड एक्सेलरेट करता है तो इंक्लाइंड सरफेस बन जाता है, देखा है कहीं? और ये क्या शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन जितनी ज्यादा होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इंक्लिनेशन भी उतनी ज्यादा होगी. तो ये आपने कभी प्रैक्टिकली देखा हो लाइफ में कि एक्सेलरेटिंग लिक्विड है तो वो इंक्लाइंड सरफेस बनता है, हॉरिजॉन्टल नहीं रहता? लहरें ओशन में. लास्ट टाइम कब देखे था ओशन की लहरों को? लास्ट टाइम कब देख के आए थे? सर बहुत टाइम पहले. इसके आगे करेंगे कल, एक एक्सपेरिमेंट देता हूँ. अभी जाओ किचन में, ग्लास में डालो पानी, चम्मच लेके उसको घुमा दो, उसका टॉप सरफेस हॉरिजॉन्टल रहता है? टम्बलर में पानी डाल के घुमाते हैं तो हॉरिजॉन्टल रहता है या कर्व्ड हो जाता है? कर्व्ड होता है. ऊपर आता है या सेंटर से नीचे चला जाता है? सेंटर से ऊपर किसके घर में जाता है पानी? नीचे चला जाता है, घुमाते हैं. हाँ चाय में कभी सेंटर नीचे जाता है, सेंटर नीचे जाता है, सेंटर नीचे जाता है, सेंटर नीचे जाता है. तो यही तो है वो, और क्या है कि एक्सेलरेटिंग लिक्विड है, सर्कुलर मोशन एक्सेलरेशन नहीं होती. जरूरी है लहरें देखने जाना है हमने, आपने 500 बार ही देखा होगा ये कि आपने चम्मच डाल के चीनी डाली चाय में, उसको घुमाया तो वो सेंटर से नीचे हो गया. फिजिक्स डेली लाइफ में ही छुपी होती है, सिर्फ आपको ढूंढ सोचना पड़ता है कि कौन सा एग्जांपल. आपने आज तक कभी सोचा नहीं होगा ऐसे हुआ क्यों,
इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनवाऊंगा अगली बारी, चम्मच डाल के घुमाने वाला, सोच के आना इसलिए ध्यान से। और फिर एंगल पूछूंगा कि टॉप में मतलब एज में और सर्कमफेरेंस वाले पॉइंट पे और सेंटर में हाइट डिफरेंस कितना अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो। सो नेक्स्ट टाइम करते हैं इसके आगे। थैंक यू सर।